नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गणपति जी की चमत्कारी प्रतिमा, जिसको कि 3 बार चोरों ने चोरी करने की भी कोशिश कर ली, लेकिन उसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये मूर्ति काफ़ी चमत्कारी है और उसकी किसी ने स्थापना नहीं की है। इसकी बाकी पूरी कहानी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि इस मूर्ति का कहाँ से ये मूर्ति आई और किस तरीके से यहाँ पर स्थापित हुई और कैसे चोरों ने इसको चुराने की कोशिश करी और वो कैसे इसमें असफल रहे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिरसी राजा साहब की छतरी है। ये छतरी जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है और सिरसी राजा साहब की छतरी है। ये भी उस गणपति जी की प्रतिमा की ओर हम जाते हैं तो ये भी रास्ते में पड़ती है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताऊँ। ये जो प्रतिमा गणपति जी की मैंने आपको दिखाई है, ये कोई नॉर्मल या आम प्रतिमा नहीं है, ये बहुत खास और बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। ये प्रतिमा जो है ये आई कहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक नदी है, ये जो स्थान है गुना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। निहाल देवी के रास्ते में स्थान पड़ता है और सिरसी गाँव है जहाँ पर स्थान विराजमान है। तो निहाल देवी से एक नदी निकलती है, तो नदी में ही ये मूर्ति मिली थी और आज जिस जगह वो मूर्ति मिली थी उसको गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। और इस मूर्ति को चोरों ने 3 बार कोशिश कर ली चोरी करने की। एक बार तो नीचे तक उतार ली थी, लेकिन उसके जैसे ही ये छतरी के बाहर आती है उसके बाद में इसका पता नहीं वजन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, जो भी है एक चमत्कार ही है। उसके बाद में ये मूर्ति यहाँ से आगे नहीं जाती है। तो ये जो है वो बहुत ही चमत्कारी और ख़ास मूर्ति है। तो कभी भी आपका अगर निहाल देवी आना हो तो थोड़ा सा समय निकाल कर यहाँ पर भी आए। सिरसी गांव में स्थित है और गुना से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। तो आपका जब भी आना हो तो आप ज़रूर यहाँ पर दर्शन करो, धर्म लाभ उठावे। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इसी तरीके के और ही वीडियो हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।